आम आदमी पार्टी का विधानसभा स्तरीय अकलतरा पामगढ़ विधानसभा जांच के चापा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। बता दें कि आम आदमी पार्टी का अकलतरा पामगढ़ व जांच की चापा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश में शिक्षा व स्वास्थ्य पिछड़ा है। आम आदमी पार्टी द्वारा भारत देश को नंबर वन देश बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। अच्छी शिक्षा और मुफ्त की शिक्षा में समस्त नागरिकों का अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी तो नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि 50% आबादी महिलाओं की है, महिलाओं को उनके अधिकार मिलने के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश होने के बाद भी 80% किसान कंगाली के बीच जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। किसानों को उनकी फसल की उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर 2023 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। दिल्ली से आए पार्टी के पर्यवेक्षक संतोष श्रीवास्तव ने कहा, विगत 6 महीनों से छत्तीसगढ़ में प्रत्येक विधानसभा का दौरे पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य के लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। राज्य के लोगों द्वारा भाजपा के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठाया गया, लेकिन प्रदेश के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। कार्यक्रम को प्रदेश संगठन मंत्री भानु चंद्रा, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा झा, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रकाश मिरी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, देश की स्वतंत्रता के बाद 75 बरस हो चुके हैं, लेकिन पूरे देश में और हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी ना तो शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो पाई, ना स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाई, ना तो युवाओं को रोजगार मिला, ना तो किसानों को उनका अधिकार मिला, ना तो महिलाओं को अधिकार मिला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अभी ऐलान किया है पूरे देश के लिए, सारे देशवासियों से, कि अब तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आपने देखी है, लेकिन हमसे बाद, हमारे बाद जो देश स्वतंत्र हुए वे भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा देश आज पीछे है। अरविंद केजरीवाल जी ने सारे देशवासियों से आह्वान किया है मेक इंडिया नंबर वन के तहत प्रमुख 5 बिंदुओं को लेकर हम सारे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में भी काम करने वाले हैं। एक एक कार्यकर्ता काम करेगा। जिन बिंदुओं को आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले बिंदु है अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, हर बच्चे को मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो अमीर का बच्चा। स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हर व्यक्ति के लिए हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, कभी एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, सबको बराबर स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। हर एक नौजवान जो इस देश में पैदा हुआ है, इस छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है, सबको काम करने का अधिकार है, उसके हाथ को काम मिले। युवाओं को रोजगार हमारे तीसरी और महत्वपूर्ण बिंदु है। हर महिलाओं को उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले, उनको सुरक्षा मिले, ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अभी अकलतरा विधानसभा में आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें क्या कुछ उद्देश्य है? एक सेकंड, 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है, चूँकि देश कृषि प्रधान देश है, 80% लोग कृषि पे डिपेंड है, किसानों को उनका अधिकार मिले, उनके फसल का सही कीमत मिले, ये 5 बिंदुओं को लेकर हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर। सवाल कर रहे थे, एक अभी मामला उठ रहा है कि फ्री रेवाड़ी वाली जो बात उठ रही है, फ्री रेवाड़ी बांटने वाली बात, इस विषय पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और इन शब्दों का भारतीय जनता उपयोग करते करे, लेकिन आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है कि हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाएगा। आप सोचिए, यदि छत्तीसगढ़ में बिजली बनता है, कई राज्य से के लोग बिजली ले जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ से बिजली लेकर दिल्ली जा रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ वालों को अधिकार नहीं है? क्या एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका मालिक बाजू में बैठा है कोई सांसद या विधायक, उसको फ्री बिजली लेने का अधिकार है? ड्राइवर को नहीं है, हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए। इस ये आम आदमी पार्टी की हमारी जहां सरकार है, हम उनको उनका अधिकार दे रहे हैं और वो अधिकार जायज है। कि त्रिकोणी जो रिजल्ट है वो त्रिकोणी आता है तो आप किनके साथ सरकार बनाना पसंद करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये बात पक्का है। आम आदमी की, आम आदमी पार्टी और आम आदमी आज तैयार है।
कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर आप विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या फिर नहीं? नहीं सर, ये तो अभी समय की गर्व में, भविष्य की गर्व में अपन नहीं कहेंगे, सिर्फ इतनी बात कहेंगे छत्तीसगढ़ का आम आदमी कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है, ईमानदार सरकार दिल्ली की तरह चाहती है और यहाँ पे पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ।